नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं उर्वरा राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अभी हाल ही में एक वीडियो जारी हुआ था प्रॉब्लम इज क्वेश्चंस के लिए, लेकिन वो एक दिन के लिए पोस्टपोन हो गया है। अब वो स्टार्ट हो रहा है आपके 22 अप्रैल से, यानी कल से स्टार्ट हो रहा है। तो आज आपके पास फिर से समय है उस बैच को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि घर में एक छोटा सा फंक्शन आ गया था तो मुझे थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया, क्योंकि वो भी कोरोना और लॉकडाउन के चक्कर में मुझे हम लोगों को इमरजेंसी में करना पड़ा था, वो कहना प्रीपोन करना पड़ा, इसकी वजह से रह गया था। तो एक दिन हमें एक्स्ट्रा मिल गया, तो मैंने कहा वीडियो फिर से बना देती हूँ ताकि जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची वो भी ज्वाइन कर सकते, जिनको ये लगता मेरी क्लास मिस हो गई वो भी ज्वाइन कर सकते, क्योंकि कल से इसकी पहली क्लास स्टार्ट होगी, यानी 22 अप्रैल से। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इसको और कब कब ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसको कब कब ज्वाइन कर सकते हैं। आप इनको 27 से भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? ये जो क्लास होगी 22 को, ये जस्ट ओवरव्यू होगा कि अगले 5 डेज आपको कैसे पढ़ना है। अगर मान लीजिए आपका रह गया तो मेन इसका ऑब्जेक्ट पढ़ना तो सेल्फ ही है, इसका जो ऑब्जेक्ट होगा आपको लिखना सिखाया जाएगा। क्या करना चाहेगा? लिखना सिखाया जाएगा कि कैसे आपको प्रेजेंटेशन करनी है। ये जो बैच है इसे पढ़ाएंगे नहीं, बिकॉज ऑफ इसका फीस कितना है, 1000 रुपीज। 1000 रुपीज में नहीं पढ़ाते ना, क्योंकि दूसरे बहुत सारे आप कोर्सेज देखते हैं। इसमें लिखना सिखाएंगे, लिखना यानी प्रेजेंटेशन सिखाएंगे किसकी, कि यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है, समस्या वाला क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में 5 मार्क्स में 6 मार्क्स में 8 मार्क्स में और 10 मार्क्स में, 1 2 3 4 5 6, तो आपको उसको ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है सिखाएंगे। बट हाँ, इसके साथ हम चाहते तो चारों सब्जेक्ट की क्लास वन बाई वन कर लेते हैं। आज आईपीसी करा दिया, कल सीआरपीसी करा दिया, परसों सीपीसी, देन हमने ऐसा नहीं किया, हमने उसके लिए आपको टाइम दिया 5 डेज का। इससे क्या फायदा होगा, आप 5 डेज अच्छे से अपने सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। देखिए, इससे एक फायदा ये होगा, आपके पास एक टारगेट है कि मुझे 5 दिन बाद पेपर देना है, तो इस बार में आपके पास 5 दिन पढ़ने के लिए हो गया। अभी कोरोना चल रहा है, बाहर भी नहीं जाना है, तो एटलीस्ट कम से कम अपने आप को 25 दिन 20 दिन बाउंड तो कर रहे हो कि चलो यार मेरे 4 सब्जेक्ट अपने टिप्स पे कर लूंगी मैं, या कर लूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से टास्क मिलेगा कि कैसे करना, फिर इस दिन क्लास भी होगी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन की, और साथ में आपको बताएंगे नेक्स्ट क्या करना है। इसके लिए आपके पास जो है एक पेपर आएगा, आप क्योंकि सब ऑनलाइन करना है, अपने भी घर बैठे हैं, उस पेपर को पूरा अच्छे से लिख कर पीडीएफ फाइल बना के हमारे यहाँ भेजना है, फिर वो यहाँ से चेक होगी, और चेक होकर आपको ओवरव्यू दिया जाएगा। प्लस इसके साथ ही साथ जो पेपर आपके पास आएगा उस पेपर का लाइव जो होगा आपका सॉल्यूशन ही होगा, लाइव सॉल्यूशन होगा। जब आप ज्वाइन करेंगे, फॉर्म भरेंगे, फिर सबमिट करेंगे, तो आपको ऐप दिया जाएगा जो आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको पासवर्ड मिलेगा, आपके पास एक लिंक आएगा और वो बच्चा उसको कंटिन्यू देख पाएगा। कई बार बच्चे कहते हैं हम भी देख सकते हैं, सब देख सकते हैं, उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा और फीस सबमिट, जो फीस सबमिट करेगा फॉर्म भरेगा वो सब देख पाएंगे, क्योंकि उनको लिंक मिलेगा। अब आता है सवाल, क्या रिकॉर्डेड होगा? नहीं, ये लाइव होगा, क्लासरूम जैसा क्लासरूम है ये, हम रिकॉर्डेड चीजें नहीं देते। हम ये मानते हैं कि उसमें आपके क्वेश्चन रेज होते हैं, आप हैंड रेज करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर में चीजें सिखाई नहीं जाती, वो दे दी जाती है, स्टार्टिंग में हम कर लेंगे फिर फेंक देंगे। तो हमें लगता है जब समय आएगा और हमें लगेगा कि अब रिकॉर्डेड लेक्चर का समय आ गया, हम उस दिन वो भी देना शुरू कर देंगे, अन्यथा ये रहेगा। इसका टाइमिंग क्या है? इसका टाइमिंग है मॉर्निंग में 8:30 से 9:30, 1 आवर की क्लास होगी। 1 आवर की क्लास के अंदर आपको आराम से जितना हम लोग लेके चल रहे अपना इन 6 क्वेश्चन को फॉलो करना है, ये आराम से आपका फुल फिल हो जाएगा, ताकि उसके बाद आपके जो भी काम है आप कर सकते हैं। 5-10 मिनट ऊपर नीचे देखो कहीं भी बैठते क्लास में हो जाता है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने भी 5 मिनट ऊपर नीचे हो गए तो क्या रहा। इसके साथ ही साथ और क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं, बस इतना मिल जाए बहुत है, बस आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, जो रह गए वो ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, वो है 9950574640 पर आपको क्या करना है, फॉर्म लेने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको फॉर्म मिलेगा, अकाउंट नंबर मिलेगा, आप जैसे फॉर्म फिल करेंगे अकाउंट नंबर में फीस सबमिट करेंगे, वैसे आपको आगे का प्रोसेस बता दिया जाएगा। बट मान लीजिए किसी ने वीडियो बाद में देखा, 22 निकल गया, वो 27 से भी ज्वाइन कर सकता है, 27 निकल गया वो 2 मई से भी ज्वाइन कर सकता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? वो पेपर निकला ना, वो पेपर आपको आगे दे दिया जाएगा, प्रेजेंटेशन तो आप सीखते जाएंगे, पेपर आपको नेक्स्ट पे दे दिया जाएगा, ये खत्म होती पेपर मिल जाएगा, देन आपको पेपर हमारे पास आएगा, चेक होके हम आपको बता देंगे।
तो कई बार उतना वीडियो लेट देखते हो, आपको लगता है मेरा ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, आप कर सकते हो, इशू नहीं। हाँ, वेरी फर्स्ट डे से करते हैं उसकी तो अलग ही बात है, लेकिन कई बार होता है पीछे से, क्योंकि ये कोर्स अभी 1000 का है, फिर बाद में आता है तो उसका फीस बढ़ता रहता है, तो ये चलता रहता था, आपको लगे समय क्यों बर्बाद करें, अभी समय आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए कॉल और मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? बढ़िया, पढ़ाई तो हो ही नहीं रही आप लोगों की, क्यों? क्योंकि वैकेंसी नहीं। हम तो वो लोग है ना, आग लगने के बाद कुआं खोदेंगे, पहले कुआं खोद के रख दो तो खराब हो जाएगा हमारा, है? पहले पढ़ाई करके रख दो तो नुकसान हो जाएगा हमारा, है ना? तो पहले नहीं खोदते हम तो कुआं, फिर फिर फॉर्म आ जाते हैं, फिर पढ़ाई शुरू करते हैं, फिर सिलेक्शन नहीं होता, फिर कहता अब तो कुआं खोद के रखूंगा, फिर स्टार्टिंग करता कुआं खोदने की, फिर थोड़े दिन बाद फिर भूल जाता, फिर समय निकल जाता है, फिर वैकेंसी आती है, फिर याद आता कुआं खोदना है। ऐसा नहीं करना है, अभी बैठ के अपनी प्रिपरेशन करो। अगर आपके पास डेडिकेशन है, आपको लगता है कि नहीं मुझे जज बनना है, तो फिर अपना रूटीन बना लो एक। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कोचिंग सेंटर जा रहे हो, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है, किसी से पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, अपना एक गोल फिक्स कर लो, मुझे इतने घंटे पढ़ना है, मुझे रोज का ये टारगेट पूरा करना है। अपने टारगेट को अपनी दीवार पे चिपका दो और उसको फॉलो करो। नहीं होती तो अपनी कमियां ढूंढो। मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन आपने अपनी कमियां ढूंढना शुरू कर लिया ना, उस दिन आप ऑटोमेटिकली एक वे में आके पढ़ना शुरू कर दोगे। देखिए, आप सबके पास प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम जूझ रहा है, कोई फैमिली के साथ प्रॉब्लम में है ना, कोई ऑफिस को लेके प्रॉब्लम है, इन सब के साथ सपने आपके पूरे करने हैं। आपको क्या लगता है जज बनने के बाद प्रॉब्लम नहीं होती? प्रॉब्लम तो लाइफ में हमेशा चलेगी, बिना प्रॉब्लम की लाइफ ही किस चीज की होती है। लेकिन उन्हीं प्रॉब्लम के साथ अपने टास्क को कैसे कम्प्लीट करना है? आपका एक रिजल्ट आता है नेगेटिव, जाते गुजरात में सिलेक्शन हुआ नेगेटिव हो गए, जेलों में सिलेक्शन हुआ नेगेटिव हो गए, वाई? सब जने जज बनेंगे समय के साथ। एक लाइन में हमेशा बोलती हूँ, मुझे कई बार बच्चे भी कहते हैं कि मैम की लाइन बड़ी अच्छी है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता। बट मेहनत तो करनी पड़ेगी उस समय, और भाग्य बनाने के लिए खुद की मेहनत खुद को करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, मेहनत कीजिए, अपना एक गोल बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। पहले जो फाड़ दिए अब उसको मत कीजिए, अब फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। आज के लिए